कागज ठाई फिर जी हम तो जी आधार कार्ड बनवाओ फैमिली आईडी बनाओ फलाना बनवाओ राशन कार्ड कट गया 5 किलो अनाज मल जा रखे हम। अब की बार ना कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को वोट देंगे तो हम भाई आम आदमी पार्टी को देंगे क्योंकि उसमें बहुत अच्छे नेता है हमारे जो सतबीर जी को थे। सरकार कांग्रेस की 3 प्लान आ लिए 3 प्लान इनके आ लिए हमारे को रोजगार ही नहीं मिला 10 साल हो गए 24 साल हो गए 10वीं करे हमारे को नौकरी नहीं मिली। सभी पार्टी बाजी को देख लिया बना के किसी ने कुछ नहीं किया भैया वही आज तक मजदूरी कर रहे हैं। लीला राम एक बार भी गांव में नहीं आए नाम ना कदे मिले जी नाम ना उसकी शक्ल देखी है। अगली सरकार हम अगली सरकार आम आदमी पार्टी को ही नहीं वोट में कहूँगा अपना एक एक वोट कीमती है। वोट भाई उसे तो दियो जो रोजगार देश का है वोट उसे दिए जो स्वास्थ्य देश का है वोट उसे तो दियो जो बच्चों के भाई रोजगार की बात कर सके। 32 दिन का रह गया खेल कैथल विधानसभा में किसकी चाल लगी रैली आए जान खातर भाई गांव कुत्ते पर मैं पहुंचे था हम देखने लगे युवा साथी जरा नौकरी पाने चाहिए थे रोजगार पाने चाहिए थे आज ताश खेलने दे रहे हैं लेकिन गांव कुत्ते पर तय सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। आप तय खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो कमेंट जरूर कर दियो भाई किस अगली सरकार किसकी देखो और क्यों देखो भाई किन मुद्दे पर इस बार चुनाव करोगे या जरूर कमेंट में लिख दियो। बातचीत कर लिया युवा साथी बैठे हैं युवाओं साथियों गला एक बार जी क्या नाम है भाई जी मोहनलाल नाम है जी मोहनलाल जी बेरोजगार हैं ताश खेल रहे हैं बेरोजगार है ताश खेल अच्छा किश्ती कर रखे हो बेरोजगार कौन सी सरकार ने करी। सरकार कांग्रेस की 3 प्लान आ लिए 3 प्लान इनके आ लिए हमारे को रोजगार ही नहीं मिला 10 साल हो गए 24 साल हो गए 10वीं करे हमारे को नौकरी नहीं मिली जी 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 हम क्या करें जी ताश खेल लेंगे। इस सरकार ने कुछ नहीं कराया कागज ठाई फिर जी हम तो जी आधार कार्ड बनवाओ फैमिली आईडी बनाओ फलाना बनवाओ राशन कार्ड कट गया 5 किलो अनाज मल जा रखे हम। अच्छा यदि बात करा लीला राम की क्योंकि मौका गए विधायक लीला राम है कितने एक बार यूरा गांव में आए हैं कितनी समस्याएं सुनी है। लीला राम एक बार भी गांव में नहीं आए नाम ना कदे मिले जी नाम ना उसकी शक्ल देखी है विधायक की जी आज लग गांव में नहीं आए वो। अच्छा काम की बात करें तो काम गांव में कोई काम नहीं है जो पंचायत द्वारा विभाग द्वारा हुए हैं दो गलियां वो गलियां पहले बनी पड़ी हैं जी कुछ सरपंच कार्य कर रहा हमारा मौके का अच्छे काम कर रहा है देखो लेकिन इस सरकार हमारे को कोई कुछ नहीं मिला। सरकार ने कितने नंबर देने पहुंचाओगे 10 में तक हम तो 0 देवांगे जी 10 में तक भाई का कहना 0 नंबर देवांगे भाई 0 विकास का नाम पे दोगे विकास क्या करे जी स्वास्थ्य नहीं है स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए रोजगार होना चाहिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए बच्चों की हमारे बच्चे प्राइवेट में जावे इतनी फीस है जी हम प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते बच्चों ने सरकारी में क्या पढ़ाओ सरकारी में पढ़ाई नहीं है सरकारी स्कूल बंद होने लग रहे हैं सरकार मंदिर बनाने लग रही है 700-700 करोड़ के लेकिन हमारे तो स्कूल का तो कुछ सुविधा नहीं है ना। अच्छा कौन सी सरकार देखो रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा देश का हमने सभी सरकार देख ली जी हम आम आदमी पार्टी से संतुष्ट हैं हम उसके साथ हैं। आम आदमी पार्टी तो क्यों संतुष्ट आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसे कार्य करे हैं पंजाब में भी बढ़िया कार्य कर रखे हैं हम उसके लिए संतुष्ट। अच्छा यदि बात करा कैथल तक कैंडिडेट अपना सतबीर गोयत टिकट की दौड़ में है हम पड़े हुए हैं उनके पास जी हमारे सर रहे हुए हैं साइंस मास्टर थे वो जी हम पढ़े हैं उसके पास सन 2000 में 10वीं करी थी बहुत बढ़िया मास्टर हैं बढ़िया वो हैं बंदे तो यूए कहना भाई रोजगार स्वास्थ्य और शिक्षा की लड़ाई है जो रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा दे पाएगी सरकार भाई वह अच्छी है जो युवाओं के भाई रोजगार की चिंता करे सरकार वह अच्छी है। बातचीत कर लिया और भी हुआ साथी जी राम राम भाई जी राम राम भाई क्या नाम है भाई जी गुरुनाम है भाई साहब गुरुनाम जी कैसा देखो 10 साल विकास के भाई विकास कुछ तो माना था कुछ विकास लगे नहीं गांव में राम 24 साल प्लस टू करे ना 24 साल हो गई प्लस टू करे ना कोई रोजगार नहीं फार्म भर रहे हैं कड़ी कोई भर्ती में बहुत गए हैं। अच्छा भाई अब की बार ना कांग्रेस को वोट देंगे ना बीजेपी को वोट देंगे तो हम भाई आम आदमी पार्टी को देंगे क्योंकि उसमें बहुत अच्छे नेता है हमारे जो सतबीर जी गोयत है मास्टर सतबीर जी गोयत उनके हम शिष्य भी रह चुके हैं बहुत बढ़िया मास्टर जी हैं उनको ही हम वोट देंगे। अच्छा आम आदमी पार्टी का चेहरा देख कर वोट दे रहे हो आम आदमी पार्टी के जो काम है उसको वोट दे रहे हो पहली बात तो है जी हम आम ये दोनों जो पार्टी आ चुकी है ना कांग्रेस और बीजेपी इनको देख के अब नया कुछ सोच रहे हैं नया नई पार्टी आई हाँ। सरकार हम अगली सरकार आम आदमी पार्टी को ही नहीं अगली सरकार भाई का कहना भाई आम आदमी पार्टी की सरकार और भी साथी खड़े हम तभी बातचीत करेंगे युवा साथियों तक बातचीत करेंगे जी।
कैसे हो भाई जी? बढ़िया भाई जी। अच्छा बात करा धरातल पे कितने काम हुए हैं? पता है भैया, भाई सभी पार्टी बाजियों को देख लिया बना के, किसी ने कुछ नहीं किया भैया, वही आज तक मजदूरी कर रहे हैं। जी जी हाँ जी। यदि रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात करा, स्वास्थ्य में कैसे देखो भैया? पता क्या, इन पार्टियों ने क्या स्वास्थ्य दिखाया? मैंने कुछ नहीं दिखाया है, ऐसे कैसे पढ़े मेरा गाँव? जी जी हाँ। पढ़ाई नहीं फरी है, बिजली नहीं फरी है, क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी आदमी वही फिर गात उड़ रहा, क्या क्या करेंगे इन पार्टी बाजियों का? विधायक लीला राम की बात करें तो कितने की देखो गांव में? कितने कुछ नहीं है भैया, कभी नहीं उसने मेरे गांव में आके भी नहीं देखा कभी भी। अच्छा अगली सरकार किसकी देखो? पता क्या भैया, सबको देख लिया बना के पहले, इसको भी देख लेंगे, ये क्या करेगा? किसको जी? आम आदमी पार्टी को भी। आम आदमी पार्टी ठीक लगा। हाँ जी हाँ। रोजगार स्वास्थ्य और शिक्षा दे पाएगी? पता क्या भैया, पंजाब में भी देखा सुना भी है बहुत इसके बारे में, इसको भी देख लेंगे बना के, ये क्या करे क्या नहीं करेगी। अच्छा नेता किसती देखो आम आदमी पार्टी दे दी, कैथल की बात करा तो कौन बढ़िया दिख लगा नेता? यही है जी सतवीर मास्टर जी, मेरे गांव में पहले पढ़ा के भी गए हैं वो सब। हाँ जी बिल्कुल, गोयत मास्टर सतवीर गोयत भाई गांव में पढ़ा के भी गए हैं, युवाओं का कहना है बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत अच्छी सरकार। लेकिन मम नहीं कह रहे, ये धरातल पर लोग कह रहे हैं, जोन भी था हमने ठीक लगा वो जरूर बताइयो। अब भाई अगली सरकार किसकी सरकार चाहिए? और भाई वोट वोट में कहूँगा अपना एक एक वोट कीमती है, वोट भाई उसे तो दियो जो रोजगार देश का है, वोट उसे दियो जो स्वास्थ्य देश का है, वोट उसे तो दियो जो बच्चों के भाई रोजगार की बात कर सके। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय जवान, जय किसान।